नमस्कार दोस्तों, सुरताल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज ये मेरे सामने जो ये हारमोनियम आप देख रहे हैं, ये सुरताल की बनी हुई स्केल चेंजर हारमोनियम है। आज मैं इसके फंक्शंस, कैसे स्केल चेंजर हारमोनियम को यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल होता है, आप उसको इसके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी एक कवर होता है, और ये जो स्केल चेंजर हारमोनियम है हमारे सुरताल की, ये बहुत ही प्रीमियम हारमोनियम है, और ये प्योरली बर्मिस टिकवुड से बनी हुई, बर्मा टिकवुड, नॉट ओनली टिकवुड, सागौन की लकड़ी की नहीं, बर्मा टिकवुड, एक उससे भी प्रीमियम जो बर्मा की वुड होती है उससे बनी हुई है, तो बहुत ही प्रीमियम हारमोनियम है। आप इसको देख पा रहे होंगे, मैं इसका ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक ये कवर लगा हुआ है, इसको हम खोलते हैं, इसको इस तरीके से नीचे खोलने के लिए, और ये इसको ओपन करके ये कीस के लिए ये कवर रखा जाता है, जिससे ये कीस सुरक्षित रहे, और इसको भी हम किनारे रखते हैं। ये आप देखें, ये 3 ऑक्टेव का 37 कीस के बनाई गई ये स्केल चेंजर है, और ये 9 स्केल चेंजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें आप 9 स्केल चेंज कर सकते हैं। इसमें कई टाइप के आते हैं, ये 3 ऑक्टेव का ना हो कि अगर आप इसको और बड़ा बनवाना चाहें तो 3.5 ऑक्टेव का भी आप हमारे सुरताल की हारमोनियम बनवा सकते हैं, और ये 9 स्केल से बढ़ के ये 13 स्केल का भी हारमोनियम बनता है। ओपन करने के लिए नॉर्मल दोनों तरफ के नॉब को पकड़ के इसको ये देखिए, ओपन, इसमें 9 स्टॉपर्स हैं, आप ये देख पा रहे होंगे स्टॉपर्स, इनको हम ओपन करेंगे। ये 3 रीड है इसमें, बास, मेल और फीमेल, ये 3 रीड हैं इसमें। ये परमानेंट साउंड के लिए ये ड्रोन्स होते हैं, और ये अलग अलग रीड्स के लिए। एक बार बजाने से पहले मैं इसके अंदर का खोल के भी आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसी बनावट है। ये आप इसका ये कवर देख रहे होंगे, ये सुरताल की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और ये कितना प्रीमियम बना हुआ है। ये इसकी देखिए बनावट होती है, इस तरीके से बनता है ये हारमोनियम, ये इसके अंदर ये रीड्स होती हैं, देखिए इसको, ये नोब को प्रॉपरली इस तरह खोल के हम देख सकते हैं उसके अंदर की पूरी रीड्स वगैरह को हम देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका सेक्शन है, इसमें ये 3 रीड हैं, ये तीनों जो रीड आपको दिख रही हैं ये पेरिस रीड का ये हारमोनियम है। कई प्रकार के रीड मिलते हैं, जर्मन रीड, पेरिस रीड, ये प्रीमियम क्वालिटी के हारमोनियम में हम बनाते हैं, जिनका ऑर्डर होता है, जिन्हें बहुत ही अच्छी हारमोनियम चाहिए होती है, उनमें हम पेरिस रीड लगाते हैं। ये आप इसमें ध्यान से देखेंगे, पेरिस की रीड है, ये पुरानी रीड है, ये नई नहीं बनती, पुरानी हारमोनियम से निकल करके ये बनाई गई हैं, और इनकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। बाकी और हारमोनियम पालिथाना रीड में भी बनते हैं। आइए मैं आपको इसका वॉइस और इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। इसको टाइट कर दें, इससे ये सही तरीके से आ जाए हारमोनियम के। आइए मैं अब इसको बजा के दिखाता हूँ। ये 7 पर्दे का बना हुआ है हारमोनियम, 7 बिलोज है इस हारमोनियम में। पहले इसमें थोड़ा एयर पंप कर लेते हैं, लेफ्ट कपलर है, ये कपलर की बटन है, ये हमने ओपन कर रखा है ये कपलर, लेफ्ट कपलर मतलब एक कीस को दबा रहे हैं, ये सा दबा रहे हैं हम पहले ऑक्टेव का, ये भी साथ में बज रहा है लोअर ऑक्टेव का भी, तो इससे इसकी आवाज़ और बहुत अच्छी हो जाती है। तो मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कि एक रीड में एक की दबाने पे 3 रीड, और उसके साथ ये कपलर 3 × 3 मतलब 3 + 3 6 आवाज़ एक साथ निकल रही है। इसकी स्केल कैसे चेंज करते हैं, जैसे अभी ये सी पे है, सी का मतलब ये वाइट किसे है, तो ये जो हमारा ब्लैक, हम इसको ब्लैक को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो अगर ये सी पे सेट है तो हमारा जो ब्लैक है ये सी शार्प हो गया, जिसमें अभी तानपुरा बज रहा है। आप सिंक्रोनाइज करके देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसको ट्यून किया गया है। सा रे गा,
बड़े ही अच्छे मधुर सुरों में ये सुरताल का बनाया हुआ पेरिस रेड का यह हारमोनियम है। आप कहीं से भी इस हारमोनियम को मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए कोई गाने जो बहुत नीचे हैं उनको हम ऊपर की स्केल से गाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें बजाना यहीं से आता है, इसी की से हमें बजाना आता है, लेकिन हम इसका स्केल ऊपर करना चाह रहे हैं, तो जस्ट हम इसको नीचे करेंगे तो ये कीज़ ऊपर हो गई और इसको मूव कर देंगे कि हम पहुँच गए डी पे। तो डी का मतलब ये हो गया कि ये की डी, ये डी शार्प, ये की स्केल बढ़ गई। ये था दोस्तों पेरिस रेड के हारमोनियम का एक मैंने डेमोंस्ट्रेशन आपको दिया है और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इसे कहीं से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और इसके बारे में और आगे की जो वीडियोस है मैं इसी चैनल पे पब्लिश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।